Hey everyone, daily blogging series day 63. Hey everyone, good morning, welcome back to a new vlog. Hope करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे. और आज है छोटी दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और मैंने अपनी सारी डेकोरेशन कर ली है जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको. सुबह वेल हो जाएगी, तरफ से आए टाइल वाली. वेल हो जाए सिंपल आती है ना अपने, तो बेलूजा. अच्छा, ये बेलूजा टाइल्स वालों ने भेजा है ये गिफ्ट नानू के लिए. और ये लैपटॉप कवर बड़ा मस्त लग रहा है नानू. नानू को तो फ्री का गिफ्ट मिल गया भाई, फ्री का तो नहीं है. और यहाँ मैं सोच रही थी कि स्वेटर वगैरह निकाल दूँ ले आना, कि तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे. लेकिन मैंने सोचा मेरे हस्बैंड के इसमें रखे हुए हैं तो मैंने उनके निकाल दिए थे. और रात को फिर मैंने मूड भी बनाया कि बेड साफ भी नहीं है ये, तो मैंने सोचा ही दोनों अलमारियाँ प्लस ही बेड कर लूँ. लेकिन मैं सोच सोच के ऊपर चलेगी, मैंने कल करूँ. और यहाँ मैं बना रही हूँ नमकीन मटरियाँ, जो कि मैं बना बना के यहाँ सारे आटे की और इन्हें कट करके रख देती हूँ प्लेट में. सो ना मम्मी को दे देती है, मम्मी इनको सेक सेक के रख रही हैं. और लियाना के साथ में ना ये सब काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको हर चीज़ तो हाथ में चाहिए. और ये वो जब छोटी थी पिछली बार, तो अब वो बड़ी हो गई है तो हर चीज़ उसको चाहिए, क्योंकि हर चीज़ उसको नई लग रही है. अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पूछती भी है ये क्या है मम्मा, ये क्या है, क्योंकि उसने तो पहले नहीं देखी थी पिछली बार. और यहाँ सारी मटरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार. और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी डेकोरेशन, जो कि मैं कल लेके आई थी सामान. मैं इसी सामान की बात कर रही थी, ये मालाएं मैं कल लेके आई थी. और मुझे डेकोरेशन करना मतलब सच में ही बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं सोचती हूँ कुछ भी हो यार डेकोरेशन करो, जिससे क्या घर नया सा लगता है और अपन को भी सुंदर लगता है कि हाँ भाई कोई फेस्टिवल फेस्टिवल जैसा लगता है. और दिवाली तो अपने यहाँ सबसे बड़ा है. सो इसी चक्कर में मैं कर रही हूँ तैयारियाँ. मुझे तैयारियाँ करने में बड़े मज़े भी आते हैं, और मैं अकेले कर रही हूँ क्योंकि मुझे यार ये लगता है कि जो भी है डेकोरेशन का सिर्फ मैं ही करूँ. सो यहाँ मम्मी बना रही हूँ गुलाब जामुन, और हम लोग इन्हें गोल गोल करके मम्मी को दे रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो मैं आ जाती हूँ बनवाने. और इस जगह को मैंने कर दिया डेकोरेट, जहाँ माता रानी बैठेंगी, मतलब उनको बिठा लेंगे उनका जो बैठने की जगह है उसको. और भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसको करते, मुझे लग रहा है मेरे पास काश और भी सामान होता, मैं कम सामान लेके आई थी तो मैं और भी मंगा. तो अगली बार मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा सामान लेके आया करूँगी, इस बार मैं कम लेके आई थी तो अच्छे से डेकोरेशन होगी, लेकिन जितनी नहीं जितना मैं सोच रही थी. मेरा मन भर के डेकोरेशन नहीं हुई है. अंदर चूहा बैठ गया है स्टूल के ऊपर. Thank you.
और यहाँ मावा बहुत रखा हुआ था तो मैंने सोचा और लगा लेते हैं जिससे गुलाब जामुन और भी बन जाएंगे। सो हमारी मटरियाँ बन गई हैं प्लस हमारी गुलाब जामुन भी बन गई हैं। अब हम बना रहे हैं गुजिया, सोचा गुजिया भी बना लेते हैं जिससे काम ख़त्म हो जाएगा, बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो कल देखेंगे। सो हम यहाँ गुजिया बना रहे हैं। और यहाँ गुजिया तो बन गई थी लेकिन ले आना बीच में क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 4:30 तो मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ पहले जिससे काम पूरे प्रॉपर हो जाएंगे। तो मैं इसको सुला के नीचे आ गई। भाभी जलीन डर और आज कुछ इस तरीके से हमने छोटी दिवाली अपनी सेलिब्रेट की। तुम लोग नहीं लगा रहे अपने घर में लाइट? अच्छा और लगेगी अभी? और यहाँ आ गई है नानू की नानू की मम्मी की वॉशिंग मशीन। सो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो आज आ गई है। भाई अजय तो बड़ा खतरनाक है गौतम तो। सो यहाँ ये स्नैप का कीड़ा 5 रुपए की चीज की भी स्नैप बनाता है, तो ये आलू टिक्की की भी स्नैप बन रही है इसकी। वो भाई साहब स्नैप का इतना बड़ा कीड़ा है ना इसके अंदर। तो आज है छोटी दिवाली और प्लस 5 दिन तक हमारे यहाँ ना दीपक रखते हैं, 2 बाहर गेट पे और 2 बाहर मेन गेट पे, प्लस बाहर एक कचड़े के यहाँ, सो आटे वाला कचड़े के यहाँ रखते हैं और ये तेल के दिए जलाए जाते हैं। सो हम लोग बस वही कर रहे हैं, 5 दिन तक चलेगा ये और ये धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट हो जाता है शायद से। सो
सो मैं और दीदी कर रहे हैं सब काम। और यहाँ हमने ये दीपक जला दिए दिए सारे के सारे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हम लोग लड़ रहे थे, मैं जला लेती हूँ, मतलब हमें ये लग रहा था हम जला ही दिए, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मैचेस स्टिक नहीं मिली, तो मैंने एक दिया से दूसरा दिया जला लिया। वैसे जलाते नहीं है शायद, पर मैंने जला लिया, मुझे ये था कि मैं ही जला लूँ। और ये दिया बाबा रखने जा रहे हैं बाहर, जहाँ भी रखते हैं, क्योंकि आदमी ही रखते हैं इनको, घर के सबसे बड़े जो होते हैं बुज़ुर्ग वो ही रखते हैं इस दिए को। और ये गौतम के घर में पता नहीं यशवंत भैया ने क्या फेंक दिया है गौतम को बुलाने के लिए, जिससे गौतम बाहर आए, लेकिन वो गौतम के घर नहीं गया, ऐसी मजाक था ये। हमारे यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी और मिठाइयाँ भी बन गई हैं जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा। सो ब्लॉग का यहीं कर देते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। सो मिलते हैं कल दिवाली पर, कल का ब्लॉग तो शायद होगा ही मज़ेदार। सो बाय।